ਜਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੰਮਾ ਹੋ ਮੁਕਦਮਾ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤਾ ਫਾ ਕਰੋ ਨਿਤੇਸ਼ ਫਲਤੂ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਵਾਪਸ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, किसने किया गया है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पुतला दहन इसलिए किया गया, 48 घंटा हो गया मुजफ्फरपुर हत्याकांड का, जो बोलोरो से भाजपा महामंत्री मनोज बैठा जो 11 को लड़का को चापा डाल दिए, जिस दिन चापा डाले उस दिन ये मुजफ्फरपुर नहीं जाकर रांची में जाकर मैंने पार्टी का अथी कर रहे हैं, जो कि इनका सारे व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से चाहते तो 15 मिनट में अंदर में मुजफ्फरपुर पहुँच कर सांत्वना देते हैं, लेकिन आज तक अभी तक नहीं गए ना कुछ बोले। मात्र भाजपा सरकार सुशील कुमार मोदी 6 साल के लिए निष्कासित छोड़ दिए हैं, इसलिए विधानसभा में विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उसको कार्रवाई किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए। और आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आज आप लोगों ने पुतला दहन के माध्यम से विरोध जताया, आगे आप लोग क्या रणनीति बता दिया बताते हैं? आगे का रणनीति, अगर 72 घंटा के अंदर में अरेस्ट नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है, तो फिर हम रोड पर आंदोलन करने का उतारू हो जाएगी। भारत के अंदर में क्या यूपी सरकार है कि नहीं, उत्तर प्रदेश है कि नहीं, बिहार का 1500 में चलान करता है और बिहार यूपी का 4200 में चलान कट रहा है। बालू का मामला है, बालू का मामला है, बिहार की जनता का बालू है, 800 का चलान कट रहा है तो उधर तो माफिया था, आज 3000 का चलान कट रहा है तो माफिया नहीं है, चाहती है। अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से इस्तीफा दे के हट जाए और दान किया गया है। जो आज हम लोगों ने धरारा चौक आरा पर पुतला दहन किया, मुजफ्फरपुर में गरीब बच्चा जो स्कूल से निकल कर अपने घर जा रहा था, उसमें भाजपा के नेता बेलेरो द्वारा वही बच्चों को कुचल कर उनका जान लेने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार के नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी उस भाजपा नेता को बचाने का काम कर रहे हैं, इस सरासर विरोध है हमारे तरफ से, और ऐसी कार घृणित कार नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो विरोधी दल के नेता हैं, इस पर पूरा पुरजोर शब्दों में उन्होंने घोर विरोध किया है, और निंदनीय यह जो काम भाजपा वाले लोगों ने किया है ये सरासर गलत है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर तत्काल मनोज बैठा को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको सजा नहीं दी गई, तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और पुरजोर आंदोलन करेंगे भोजपुर जिला में। आप पुतला दहन किया गया है? पुतला दहन किसने किया गया है? पुतला दहन बिहार की जनादेश के खिलाफ ये जो जन विरोधी सरकार है, उस जन विरोधी सरकार का एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिला महासचिव मौजपुर का मीनापुर थाना के बच्चों को शराब पीकर, जबकि बिहार में शराब बंद है नीतीश कुमार का, बार बार दावा करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि होम डिलीवरी मिलता है, मगर नीतीश जी कह रहे कि बिहार में शराब बंद है, तो उस शराब पी के उसने बच्चों को कुचल दिया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें हमारी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से ये मांग हो रहा है कि उस पर 302 का मुकदमा कर। चंद विश्वकर्मा राजद का पुराना सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार ने घोषणा किया कि शराब बंद हो चुका है, लेकिन ये शराब बंद नहीं हुआ है।